एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब गैरिये से होंगे तो जनाब मैं ले आई हूँ लंच बॉक्स के हवाले से आपके लिए मज़ेदार सा व्लॉग तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे ले लिया है मैंने आधा किलो जो है वो ले लिया है मैंने बोनलेस चिकन और इसमें डाल रही हूँ एक टेबल स्पून शिमला मिर्च कटी हुई बच्चों के लिए क्योंकि हम बना रहे हैं तो वेजिटेबल्स का भी यूज़ करेंगे साथ में डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ का आलू बॉईल किया हुआ ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये बहुत चिपचिपा सा बन जाएगा तो साथ में दो स्लाइस जो है ना वो ब्रेड के हम इसमें डाल देंगे ये मैं बना रही हूँ पैटीज़ तो इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर एक एक टी मैंने भर के लिया है और साथ में डाल देंगे इसमें एक टीस्पून भर के ही हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे तो ये देखिए तो ये बहुत मजे के बनते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और साथ में डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर तो मैं आपके साथ ना इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ साथ में डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और बस हम इसको ना ब्लेंड कर लेंगे चॉप कर लेंगे तो ये फर्स्ट रेसिपी है इंशाल्लाह आगे, आगे भी आपको बहुत सारी मिलेंगी तो जल्दी जल्दी ब्लॉग को लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट भी ज़रूर किया करें खैर तो यहाँ पे अभी मैंने इसको चॉप कर लिया चॉप करके मैंने निकाल लिया है और ये थोड़ा ना चिपका होता है यानी कि चिपकता है हाथों में तो आपने फ़ौरन से इसकी पैटीज नहीं बनानी आपने इसको फ्रिज में रख देना एक से दो घंटे के लिए उसके बाद बनाएंगे अब दो घंटे गुजर चुके थे तो मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है आधा कप और इसके अंदर डाल देंगे एक टेबल स्पून मैदे का मैंने इसमें डाला है ये कोटिंग रेडी कर रहे हैं साथ में एक चुटकी काली मिर्च एक चुटकी ही मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है अब हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से बीट और भी, भी थोड़ा सा मैंने इसमें ना दूध भी शामिल कर दिया क्योंकि दूध कम लग रहा था तो, तो वो बैटर थोड़ा ना ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि सारी पैटीज हमने कोट करनी है साथ में एक अंडा भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने जो पैटीज़ बना के रखी हुई थी ना उसको कोट करना है और साथ में ये ब्रेड क्रम्स ये बाज़ार वाले मैं यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं वैसे घर वाले भी मैंने बनाए थे वो आगे जाके आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर फिर हाथों को ऑयल लगा के ना फिर आपने इसकी बनानी है पैटीज़ तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बड़े साइज़ की बनाई है क्योंकि बर्गर के अंदर हमने लगानी है तो जिस तरह चपली कबाब होता है ना आपने सेम वैसे ही इसको बड़ा बड़ा सा बना लेना रफली इसकी शेप होती है तो कोई मसला नहीं है बस आपने बैटर के अंदर डालना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं तो इसी तरह सारी बना के ना आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर एक से दो घंटे के लिए इस तरह कोटिंग करने के बाद आपने दो घंटे फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने जिप लॉक बैग्स में डाल के तो इसको फ्रीज़ करना है तो अभी दो घंटे गुजर चुके थे रखे हुए तो अभी मैं जिप लॉक बैग्स में डाल रही हूँ कोटिंग भी हो चुकी है इनके ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं तो अब आप बच्चों को ये लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं आपने बर्गर ब्रेड बाज़ार से मंगवा लेनी है या सैंडविच के अंदर भी लगा के भी आप बच्चों को दे सकते हैं तो यहाँ तो ये दो पैकेट बना के मैंने रख लिए अब दो हफ्ते मेरे आराम से गुजर जाएंगे हालांकि डेली बेसिस पे तो नहीं देना होता खैर तो यहाँ पे ना दोपहर का टाइम था अभिया की टीचर जा चुकी हैं और अभिया को आज उन्होंने रेडी किया था क्योंकि अभिया ने टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा दिया था फिर उन्होंने अभिया के साथ खेला भी या मेकअप मेकअप तो उन्होंने अभिया का हेयर स्टाइल बनाया और थोड़ा सा मेकअप भी किया तो इतनी क्यूट सी लग रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ ये देखिए हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है अभिया को मुझे दरअसल ना इतने हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते तो मैं सीखूंगी ना फिर इसके बनाया करूँगी तो इसलिए आज ये बहुत ज़्यादा खुश थी और पॉपकॉर्न भी लेकर आई है बाहर से कि आज टीचर ने ना मुझे स्टार गुड सब कुछ दिया है तो इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ सिर्फ रेसिपीज़ नहीं शेयर करी व्लॉग भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो रेसिपीज से देख देख के आप लोगों ने कहा ना बस आप इन्हें सारी रेसिपीज़ ही शेयर कर दी हैं तो खैर इसलिए इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाया मैंने तो उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई क्योंकि ये व्लॉग मेरा तीन दिन में ख़त्म हुआ था एक दिन में ये व्लॉग नहीं बना था क्योंकि ये काफ़ी लंबा था और इस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा हुई है इसलिए लाइक ज़रूर करना आपने और उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं यहाँ पर ना मैंने गाजरे भी लेके ना इनको कट कर लिया था और साथ में शिमला मिर्च है अच्छा ये व्लॉग बनाने का मकसद जो है ना उन ख़वातीन की हेल्प करना है जो जॉब करती हैं या वो ख़वातीन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो कैसे मैनेज करें तो वो ये सारी चीज़ें करके रख लेंगी ना तो उनको इन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी ये देखिए यहाँ पर मैंने जिप लॉक बैग्स में गाजरे बरीक कट करके डाल दी हैं और साथ में शिमला मिर्चें ब्रिक कट करके एक ज़िप लॉक बैग बना लिया है और साथ में ये फ्रोज़न मटर मैंने फ्रोज़न ही मंगवाए थे क्योंकि मटर बहुत महंगे हुए हैं मैं अस्सी रुपये पाओ मटर है तो मैंने कहा इतने महंगे मंगवा के भी तो मैंने निकाल के फ्रीज़ ही करने से तो चलो फ्रोजन ही ले लेती हूँ मैंने फ्रोज़न मंगवाए थे फिर उनको मैंने ना जिप लॉक में इसलिए डाल दिया जिप लॉक बैग में क्योंकि वो बटर वाला जो बैग था ना वो बार बार खोलेंगे फिर उसको बंद करना मुश्किल होगा क्योंकि वो जिप लॉक नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से ये देखिए ये तीनों पैक हमारे रेडी हो गए हैं लंच बॉक्स के लिए इन पैक्स के ना आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं फ्राइड राइस बना सकते हैं मैक्रोनी पास्ता बना सकते हैं इसके अलावा जो आपका दिल करे ना आप बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच बॉक्स के लिए और साथ में कॉर्न भी मैंने मंगवाए थे ये भी मैं रख लूँगी फ्रीज़र में और ये हमारा जो है ना ये सामान रेडी हो गया जो हमने लंच बॉक्स के लिए यूज़ करना है तो आपको पता है वेजिटेबल्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है इसलिए मैंने वेजिटेबल्स को फ्रीज़ किया है साथ में आप ऑमलेट भी बना सकते हैं इन वेजिटेबल्स का जैसे शिमला मिर्च डाल के हम बंद गोभी प्याज टमाटर डाल के ऑमलेट बनाते हैं तो उसके लिए भी आप वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं फ्राइड राइस बना लें फिर इसके अलावा नूडल्स पेगटी जो भी आप बनाना चाहें और नेक्स्ट भी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम ना यहाँ पे मैंने एक चिकन का फिले लिया है डबल वाला और इसके ना दो तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे एक तो मैं बरी क्यूब्स का कट कर रही हूँ छोटे छुट छोटे से इसका भी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है तो अभी मैं कट करके ना इसकी मैरिनेशन करूँगा और ये दूसरे हैं दूसरे थोड़े से मोटे मैंने कट किए हैं क्यूब्स की शक्ल में और इसके हम बटरफ्लाई चिकन बनाएंगे ये भी हम बना के स्टोर कर सकते हैं और बच्चों के अलावा बड़े भी खा सकते हैं दावतों में भी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा बनता है तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक आलू आलू बहुत बड़ा साइज़ का नहीं आपने लेना लंबा हो और थोड़ा सा पतला हो छोटे साइज़ का हो तो आपने ना स्लाइसिस में इसको कट कर लेना हम बहुत मोटे स्लाइस भी नहीं आपने इसके रखने और बहुत बारीक भी नहीं रखने क्योंकि हमने ये बटरफ्लाई चिकन बनाना है तो वो वो फ्राई करने में फिर मुश्किल नहीं होगी अगर ज्यादा मोटे आप काट लेंगे तो बटरफ्लाई के लिए जो मैंने चिकन कट किया था क्यूब्स वाला वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे इसके लिए लसन अदरक का पेस्ट डाल दिया है एक चम्मच और साथ में मैं डाल रही हूँ दही एक चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है और एक अंडा हम इसमें डाल देंगे इसके सादा से मसाले हैं एक चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे और काली मिर्च नमक इसमें यूज़ होती है आप जैसे बनाना चाहें आपकी मर्जी अगर तीखा बनाना है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं साथ में सोया सॉस सिरका एक एक टीस्पून बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स है इसको अच्छे से मिक्स करके ना आपने ओवर नाइट के लिए छोड़ देना है एटलीस्ट दो तीन घंटे के, के लिए ज़रूर छोड़िएगा फिर जूसी बनेगा खैर तो दूसरा जो चिकन था जो मैंने हाफ बोनलेस दूसरा लिया था उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है दही इसमें शामिल कर दिया है इसके अलावा सोया सॉस सिरका बस और काली मिर्च नमक ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये वाला जो चिकन मैंने आपको बनाना बताया ना ये वाली मैरिनेशन ये बहुत सारी चीज़ों में आप यूज कर सकते हैं आप इसको एडवांस में बना के ना पूरे वीक के लिए रख सकते हैं इसका आप पिज्जा बना सकते हैं पिज्जे की टॉपिंग के लिए जो चिकन यूज होता है आप आराम से निकाल लेंगे उसको पका लेंगे बस बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह फिर इसके अलावा आप मैक्रोनिज में बनाना चाहें स्पैगेटी में बनाना चाहें फ्राइड राइस बनाना चाहें आप पराठा रोल बनाना चाहें और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आगे जाकर इंशाल्लाह तो ये देखिए ये मैंने जिप लॉक बैग में डाल के ना इस वाले चिकन को रख लिया फ्रिज में आप ज़्यादा सारा भी बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में तो ये भी हमारा रेडी हो गया है देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं जो कि एडवांस में आप बना के रेडी कर सकते हैं हाउस होल्ड जो जो ऑफिस वर्क वाली खातानी है उनके लिए और जो दूसरी खातन है मेरे जैसी वो भी करके रख सकती हैं क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना इतना टाइम नहीं होता अक्सर तो फिर मुश्किल होती है है तो यहाँ पे ये संडे वाले दिन का सीन है संडे वाले दिन अभिया की फ्रेंड आई थी बिया के साथ खेलने के लिए मेरी हेल्पर की जो बेटी है वो अभिया के लिए फ़्लावर लेके आई थी वो तो बड़ी खुश हो रही थी साथ साथ शर्मा भी रही थी अच्छा जी नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि हम ना फ्राइज़ बना के भी रखेंगे तो यहाँ पर मैंने ना एक किलो आलू लिए हैं और मेरी हेल्पर जो है ना वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी तो ये जो आइडिया ना ये मैंने अपनी फ्रेंड की यूट्यूब चैनल से लिया था मेरी फ्रेंड है किचन किचनविदन आया आपने शायद उनका चैनल देखा भी होगा अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा तो उन्होंने भी बच्चों के हवाले से ना लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर किए थे जिसमें उन्होंने ना फ्राइज़ बना के अपने बच्चों के लिए रखे थे तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं भी बिया के लिए बना के रखूँगी ताकि मुझे भी आसानी हो जब बिया ने स्कूल जाना हो ना तो आराम से निकाल के बंदा फ्राई कर लेता है तो मुश्किल नहीं होती कि सुबह आलू छीलो काटो फिर बड़ा टाइम लगता है तो फ्राइज़ कट करने के बाद ना इसको मैंने बॉय हुआ है पानी में ना सॉरी पानी में डाल के ना थोड़ा सा नमक डाल के ना हमें बॉईल कर लेना ज्यादा बॉईल नहीं करना सिर्फ एक बॉईल दिलाना है और साथ साथ, साथ संडे वाले दिन मेरा खाना भी यहाँ पे बन रहा है एक साथ ही क्योंकि अभी मैंने तीन दिन में बनाया था ना ये वाला तो साथ साथ बाकी काम भी मेरे हो ही रहे थे साथ साथ अच्छा ये लेफ्ट ओवर चिकन थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो मैंने वो आज खाने में बनाया खैर तो यहाँ पर बॉयल आ गया था आलुओं को और मैंने फ़ौरन ही निकाल निकाली इसको आपने फुल कुक नहीं करना बिल्कुल एक सिर्फ़ एक बॉइल आएगा फ़ौरन ही आपने उतार लेना वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा आलुओं को बॉयल कर लेंगे तो मैंने एक किलो का यहाँ पर बनाया तो आप चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आप बना लीजिएगा खैर तो यहाँ पे फिर बच्चे खेल रहे हैं और साथ साथ चीज़ भी खा रहे हैं भैया है के बाबा ने इनको चीज़ें वगैरह ला दी थी आज इन्जॉय किया था भैया ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके तो खैर यहाँ भी मैंने कहा चलो बच्चों को भी ना फ्राइज़ बना दूंगी ये वाले साथ सेव भी कर रही थी मैं और फिर मैंने यहाँ पे ना ट्रे में रख दिए थे इनका पानी जो बिल्कुल खुश्क हो गया था ना फिर मैंने ट्रे में डाल के ना तो स्टेन करके अच्छी तरह इनको ड्राई करना है तो यहाँ पे ये अच्छे से ड्राई हो गए थे पंखे के नीचे उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से मसाले डाले थे ज़्यादा नहीं डाले रहे हैं कॉर्नफ्लोर बस एक टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया और साथ में चिकन पाउडर ये मेरे पास पड़ा हुआ था एक टेबल स्पून अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली कॉर्नफ्लोर और नमक भी लगा के रख देंगे तो कोई मसला नहीं है लेकिन चिकन पाउडर से ना कि बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आता है साथ में थोड़ा सा मैंने नमक डाला था बस क्योंकि एक किलो के हिसाब से और बस इनको मैंने ना अच्छे से मिक्स कर लिया था अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इनको भी जिप लॉक बैग्स में डाल के ना तो ये भी रख देंगे पूरे वीक के लिए पूरे दो वीक आप आराम से गुजार सकते हैं बच्चों के लिए तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना तो अभी मैं रख खुदूंगी इनके इसके ना दो पैकेट्स बने थे क्योंकि मेरी एक ही बेटी है एक ही बेटी है जो स्कूल जाती है तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाए नहीं है तो इसके तकरीबन तीन से चार दफ़ा जो है ना ये स्कूल लेके जा सकती है इतने से फ्राइज़ जो हैं तो अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आप तीन से चार किलो आलू लेके भी इनको करके रख सकते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खराब होते हैं और ना ही पानी छोड़ते हैं बहुत अच्छे ज़बरदस्त बनते हैं तो इस खुशी में जल्दी जल्दी व्लाग को लाइक शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको आज का ब्लाग कैसा लग रहा है खैर तो यहाँ पे ये देखिए मैंने रख दी हैं पैटिस भी हमारी हो गई हैं और चिकन मैरिनेशन भी हो गई है फ्राइज़ भी हो गए हैं वेजिटेबल्स भी सारी मैंने कट करके रख दी हैं देखिए आज मैंने आपके साथ कितने आइडियाज़ शेयर किए हैं बहुत मेहनत से ये व्लॉग बना है इसलिए आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है लाइक करना है चैनल को और ये देखिए मेरा खाना भी बन गया मज़े की बात ये है कि ये लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ था ना सालन मैंने उसके अंदर चिकन डाल के ना इसको पका लिया था तो बड़ा मज़े का बना था तो अभी हमारी एक और रेसिपी रहती है वो है बटरफ्लाई चिकन जो हमने मैरिनेट किया था उसकी कोटिंग करनी है उसके लिए मैंने ना फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए थे मैंने बाजार के नहीं यूज़ किए मैंने दो से तीन ब्रेड के स्लाइसिस लिए लास्ट वाला पार्ट जो ब्रेड का होता है और नीचे वाला जो होता है ना उसमें बॉक्स के अंदर वो जो पैकेट होता है ब्रेड का उसके अंदर जो होता है ना लास्ट वाला और फर्स्ट वाला मैंने उनके और दरम्यान में दो और रखे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए ये देखे अभी फ्रेश फ्रेश जो होता है ना वो गीले गीले से होते हैं तो उनको ना ड्राई कर लेना चाहिए अगर आपने सेव करके रखना है तो अभी मैं ना बाहर रख दूँगी चारपाई पे ताकि ये ना थोड़े हार्ड हो जाएँ सूख जाएंगे ना तो फिर ये ख़राब नहीं होंगे अगर गिले के आप सेव कर लेंगे ना तो ये ख़राब हो जाते हैं तो अभी मैंने बाहर रख दिए थे सेहन में तो चलिए एक और आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ वो ये है कि आप अगर बच्चों के लिए मिल्क शेक के हवाले से कुछ बना के रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं जैसे कि एप्पल हैं बनाना है फिर इसके अलावा खजूरें हैं जो आप बच्चों को आप दे सकते हैं ये हेल्दी ऑप्शनज़ हैं मैंने मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ अनहेल्दी चीज़ें नहीं शेयर की हेल्दी ऑप्शन भी शेयर किए हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने से सारा कुछ फ्रीज कर लिया तो ऐसी कोई गल नहीं ये देखिए मैंने ना यहाँ पे खजूरें जो है ना उनकी गुटलियाँ निकाल ली थी और बनाना मैंने कट कर लिया था अच्छा ये ना मैं अपनी बेटी के लिए स्टोर करके नहीं रखती ये सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए ना मैंने ये शेयर किया है अभी एक पैकेट बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास ना ये घर में पड़े होते तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना ये एनर्जी ड्रिंक सुबह रोज़ाना पीते हैं हम लोग तो इसका आप लोगों के लिए मैंने इसलिए शेयर किया कि आप लोग इसके इस तरह पैकेट्स बना के ना रख रख सकते हैं और बच्चे हैं जब आपके स्कूल जाते हैं ना तो अगर वो नाश्ता वगैरह नहीं ना करते एटलीस्ट आप उनको ना ये वाला मिल्क शेक जरूर दे दिया अगर जिसमें एप्पल बनाना और खजूरें हों क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए तो आप ख़ासतौर पर उनको दें अगर उनकी सेहत नहीं बन रही है ना सेहत भी बनेगी तो इस तरह के पैकेट्स बना के आप रख लें फ्रीज़र में आसानी के लिए आपको आसानी हो जाएगी अच्छा जी तो बटरफ्लाई चिकन का ना हम लोग करते हैं इसका पोस्टमार्टम <laughs> अच्छा मैंने इसको ऐसे बनाया था कि मैंने जो टूथपिक्स होती हैं ना ये दांतों में जब हम चिकन निकालते फंसा हुआ वो वाली हैं तो इसको हमने एक आलू का पीस लगाना फिर चिकन का पीस लगाना फिर आलू का पीस लगा के ना तो बस इसको बना लेना क्योंकि ये मैंने मैरिनेशन जब की थी मैंने आपको बता दिया ना इसमें मैंने क्या क्या डाला और मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था इसको तो अभी हम क्या करेंगे आपके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसको ये देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के ना हम साइड पे रखते जाएंगे ये बहुत मज़े की बटरफ्लाइज बनती है इनकी शक्ल जो है ना बटरफ्लाई जैसी लगती है और इतना जूसी और मज़े का बनता है कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है आप बड़े भी बना के खा सकते हैं या फिर आप दावतों वगैरह में भी ये ना एक यूनिक रेसिपी लगती है लोग लो, लो बहुत तारीफ़ करेंगे मेहमान आपके ना बहुत तारीफ़ करेंगे अगर आप मेहमानों को ये बना के खिलाएंगे इंशाल्लाह क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ ना तो हम जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं जो चिकन स्टिक्स है वो भी बनाती हूँ बटरफ्लाइज भी बनाती हूँ तो मेहमान बहुत तारीफ़ करते हैं उनको बहुत पसंद आती हैं तो आप बच्चों को भी ये स्टिक्स जो है ना सुबह लंच बॉक्स में दे सकते हैं इसके अलावा आप दावतों में भी बना सकते हैं तो ये देखिए कितनी मज़े के होंगे बस अब आपने क्या करना है कि इनको फ्राई करना है शैलो फ्राई करना है जब भी आपने बनाना है निकाल के तो ये देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने कितने ज़्यादा ऑप्शन जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं अब मैंने आपको सारी चीज़ें बना के भी दिखानी है पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी की हैं ना तो अब बनेंगी सारी चीज़ें ये हाँ ये देखिए मैं बना रही हूँ फ्राइज़ और ये फ्राइज़ ना आप रात को ऐसा कीजिएगा कि सुबह आपने अगर बच्चों को देने आया तो रात को वो पैकेट ना आप फ्रिज में रख दिए फ्रीज़र से निकाल के ना तो और सुबह फिर आप आराम से बना सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे बने हैं तो उसके बाद मैंने इसमें फ्राइज़ मसाला डाल दिया था ये मैंने वार्ट से मंगवाया था और ये बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है तो ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया इतने मज़े के ये फ्राइज़ ही मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए तो अनाया का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी रेसिपी अनाया ने बताई तो मैंने भी ये ट्राई की है अपनी बेटी के लिए और पैटिस की भी अनाया ने बताई थी अनाया ने अपने तरीके से बताई थी और लेकिन मैंने अपने तरीके से शेयर की है मैंने डिफरेंट कुछ बनाए डिफरेंट मैंने उसमें चीज़ें ऐड की उन्होंने डिफरेंट ऐड की थी लेकिन आइडिया वही है कि उन्होंने पैटीज ही बनाई थी अपने बच्चों के लिए तो यहाँ पे फिर मैंने कहा आप लोगों को ना बर्गर भी बना के बता देती हूँ तो इसके लिए मैंने ये जो बर्गर वाली ब्रेड है ना ये नाइन्टी रुपीज़ की मिल जाती है इसके अंदर ना चार पीसेज़ होते हैं तो बाकी मैंने फिर स्टेपलर करके ना वापस फ्रिज में रख दिया और एक साइड पर मैंने कैचअप और एक साइड पर मायो लगाई और साथ में पैटीज़ ये फ्राई करके तो ये लगा के तो अभी मैं ऊपर दूंगी ये मायो वाला तो ये बर्गर भी हमारा हमारे इस तरह आप बच्चों को बना के ज़रूर दीजिएगा लंच बॉक्स के लिए फिर उसके बाद शेक भी अब आपको बना के दिखा देती हूँ तो देख देख लें आप वीडियो पर कितनी मेहनत हुई है तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये देखिए मैंने बना लिया था ये मिल्क शेक ये है एनर्जी ड्रिंक मेरा और मेरे हस्बैंड का हम लोग सुबह सुबह पीते हैं उसके बाद मैंने कहा बटरफ्लाई चिकन भी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ किस तरह का बनता है साथ में कुछ नगेट्स थे वो अभिया के लिए मैंने बना लिए थे और ये देखिए बटरफ्लाई चिकन भी फ्राई हो गया इतना मज़े का यमी सा लग रहा था और अब यहाँ का लंच बॉक्स भी रेडी करके एंड पे दिखा देती हूँ तो आज मैंने इसको दिया था कुछ वेजिटेबल्स थे कुछ डोनट्स दिए थे साथ में मैंने इसको फ्राइज़ दिए थे और इसके अलावा मैं ना वेजिटेबल्स लाजमी देती हूँ क्योंकि हेल्दी होती हैं तो साथ में मैंने फिर कैचअ वगैरह डाल के तो ये आज इसका आ, आज का इसका लंच था तो यही था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी लाजमी करना है और ये भी बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो लंच बॉक्स के लिंक्स जो है ना मैं मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं आप मेरी वीडियोज़ में जाएंगे ना तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लंच जहाँ पर मेरी पिक्चर है ना लंच बॉक्स के साथ वो वाली वीडियो के अंदर इसका लिंक भी और भी बहुत सारे लिंक्स हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी अपना बहुत सा ख्याल अल्लाह अल्लाफिज